अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑक्स इन्फिनिटी का मेरा पूरा कोर्स आप देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक जितना मैंने आपको समझाया है सारी समझ आ गई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि कैसे आप ऑक्स इन्फिनिटी खेल सकते हैं। दो किस्म की इनके प्लेटफॉर्म होते हैं, ऑक्स इन्फिनिटी गेम करके उससे अर्निंग करने के, एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक एडवेंचर मोड है जिसमें आप कंप्यूटर के साथ गेम प्ले करते हैं, और दूसरा PvP है यानी प्लेयर वर्सेस प्लेयर। उसमें वो ज़रा टफ कंपटीशन होता है, लेकिन दोनों जगह पे आप गेम प्ले करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सबसे पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को अकाउंट्स कैसे साइन अप करने करते हैं, ऑक्सीज कौन सी बाय करते हैं, फिर ब्रीडिंग के बारे में भी मैंने आपको गाइड कर दिया। अब इस वीडियो में जब आप सारा अकाउंट वगैरह बना लेंगे, अपनी इन्वेंट्री में आइएगा, यहाँ पर आपकी ऑक्सीज की लिस्ट आपको नजर आ रही होगी। आपने यहाँ इन्फिनिटी के पेज पर आना है, जो फर्स्ट स्टेप है आपका। प्ले नो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अगर मोबाइल पे ऑपरेट कर रहे हैं, आप मैक पे इसको ऑपरेट कर रहे हैं, मैकबुक पे, आप आईफोन पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि मैं विंडोज़ पे कर रहा हूँ तो इस तरह ये नीचे आप देख रहे हैं, ये इसकी इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। तो जब चूँकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया तो मुझे डाउनलोड करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ डाउनलोड्स पर जाऊँगा अपने, तो यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला सेटअप है, इसको आपने रन करना है। नेक्स्ट 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 टेस्ट करेंगे तो आपका इस तरह ये मैविस हब नाम का एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो ऑक्सी इन्फिनिटी का यूजर ने पासवर्ड इधर दिया होगा, अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा, सेम वही अकाउंट आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। मैं यही आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपने ये कैप्चा सॉल्व करना है। इसका कैप्चा जो है वो बहुत टफ होता है, दुआ करें जल्दी जो है वो हो जाए खत्म। आप कैप्चा सॉल्व करके मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। कैप्चा सॉल्व करते हुए अच्छा खासा टाइम लगा है, कैप्चा इनका बड़ा टफ होता है। तो जैसे ही आप कैप्चा सॉल्व करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म आ जाएगा, आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ऑक्सी इन्फिनिटी इस मैविस हब के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ये यहाँ पे खुद ही आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे सारी इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे प्ले का ऑप्शन आ जाएगी। देखिए जैसे इंस्टॉलेशन हो गई, यहाँ पे प्ले की ऑप्शन आ गई, आपने प्ले के ऊपर क्लिक करना है और ऑक्सी इन्फिनिटी की जो गेम है उसका अलग से एक पेज ओपन हो जाएगा। आप फिर उसके बाद इसको क्लोज कर सकते हैं। मैविस हब के प्ले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑक्सी इन्फिनिटी का ये वाला प्लेटफॉर्म, गेमिंग प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप सेटिंग में आके, ये मैंने म्यूजिक वगैरह यहाँ पे कम कर दिया, आप म्यूजिक कम कर सकते हैं, मोबाइल मोड में भी जा सकते हैं, ग्राफिक वगैरह मैं मीडियम कर देता हूँ। आपके पास अगर लैपटॉप जो है वो इतना उसमें हैवी ग्राफिक कार्ड नहीं है तो मीडियम रख लें ग्राफिक्स को। यहाँ पे रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, फुल स्क्रीन, ये सारा कुछ यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑक्सीज नज़र आ रही हैं, आपके वहाँ ऑक्सीज नज़र नहीं आएंगी क्योंकि आपने तो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपने नीचे ऑक्सीज की ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर जाके आपने ऑक्सीज को सिंक करना है। जैसे यहाँ पर मेरे आपको कोई ऑक्सी नज़र नहीं आ रही तो सिंक ऑक्सी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जितनी आपने ऑक्सीज बाय की होंगी, ये नीचे फैचिंग हो रही है, वो सारी फैचिंग हो जाएगी। तो आपने जैसे ही सारी आपकी ऑक्सीज फैच हो जाए, आपने वापस आना है। यहाँ पे आप आएंगे तो दूसरी आपने टीम पे जाना है, टीम पे जाएंगे, यहाँ मेरी ऑलरेडी टीम सेटअप हुई है ऑलरेडी, आपने आपकी यहाँ पे नहीं होगी, आपने न्यू टीम पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू टीम पे क्लिक करेंगे तो ये वाला प्लेटफॉर्म हो जाएगा, इसमें आपने अपनी ऑक्सीज की पोजिशन जो है वो सेटअप करनी है कि कौन सी आपकी ऑक्सी किस पोजिशन में हो। जो फर्स्ट पोजिशन पे नॉर्मली जो आपकी ऑक्सी कि जिस ऑक्सी की एचपी सबसे ज़्यादा होती है, यानी जो डिफेंसिव ऑक्सी होती है, जिसमें प्लांट ऑक्सीज हो सकती हैं, जिसमें एक्वा हो सकती है, तो ये वाली ऑक्सीज आप फ्रंट में रखें। जो आपकी बीस्ट ऑक्सी है या इस तरह की जो फाइटिंग वाली है, पावर वाली, उसको आप इधर रख सकते हैं। जो आपकी स्पीड वाली है उसको आप इधर रख सकते हैं। ये खैर आहिस्ता आहिस्ता आप लर्न करते जाएंगे कि कौन सी ऑक्सी मैंने किस तरह पोजिशन, कई जो हैं वो एक इधर रखते हैं, एक इधर रखते हैं, एक इधर रखते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपने खुद एक्सपीरियंस करना है। यहाँ पे आप ऑक्सी का नाम रखिएगा, यहाँ पे नाम रख के सेव टीम पे क्लिक करिएगा तो आपकी टीम जो है यहाँ पे सेव हो जाएगी। अच्छा, जैसे ही आपकी टीम सेव हो जाएगी तो यहाँ पे आपने आके इस पे क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना है और ये आपकी ऑक्सीज जैसे मेरे यहाँ पे नजर आ रही है, इस तरह आपके भी यहाँ ऑक्सीज नजर आ जाएंगी। अब आए आगे प्लेटफॉर्म की तरफ। सबसे पहले आपने क्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको 25 SLP टोकन मिलेंगे अगर आप ये तीन टास्क कंप्लीट करते हैं। एक तो आपने डेली चेक इन के ऊपर क्लिक करना है, दूसरा आपने एडवेंचर मोड जो मैं आपको बता रहा था कि आपने कंप्यूटर के साथ
गेम प्ले करनी है अपनी ऑक्सीज के साथ। तो 10 लेवल्स आपने रोज कंप्लीट करेंगे तो आपको जितनी गेम विन करेंगे उस पे एसएलपी टोकन अलग मिलेंगे, और साथ जब आप उसके बाद 5 अरीना जैसे मैंने आपको बताया था कि उधर आप प्लेयर वर्सेस प्लेयर यानी आपने दूसरे ऑक्सी इन्फिनिटी के प्लेयर्स के साथ आपने मैच करना है, तो 5 आपने डेली अरीना मैचेस को विन करना है तो आपको विनिंग पे अलग एसएलपी टोकन मिलेगा। लेकिन जब आप ये तीनों टास्क कंप्लीट करेंगे तो 25 एसएलपी टोकन जो है वो अलग आपको मिलेंगे। तो उसके बाद सबसे ऊपर जब भी आपका अच्छा यहाँ एनर्जी के बारे में आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आपको 60 एनर्जीज नजर आ रही हैं, तो मेरे पास चूंकि 30 से ज्यादा ऑक्सीज पड़ी हुई हैं मेरे अकाउंट में, तो इस वजह से मेरी जो ऑक्सीज जो मेरी एनर्जीज हैं, चूंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में आपने मेरे कोर्स की देखा होगा, मैंने आपको बताया होगा कि जब आप गेम प्ले करते हैं तो आपकी ऑक्सीज के पास जितनी एनर्जी होगी उतने वो कार्ड्स यूज कर सकती हैं। तो एक नॉर्मली एक कार्ड जो है वो एक एनर्जी यूज करता है, समटाइम ऐसे होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसे कार्ड है जो जीरो एनर्जी यूज करते हुए भी हो जाए तो वो आपके लिए बोनस होता है। आगे जाकर मैं जब गेम प्ले करूंगा वो मैं आपको गाइड करूंगा। तो आपके पास चूंकि 3 ऑक्सीज होंगी तो आपके पास टोटल एनर्जी शायद यहाँ पे 20 नजर आ रही होगी, और हर छह घंटे बाद 5 एनर्जी जो है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल 20 के 20 यूज कर लेते हैं तो 6 घंटे बाद आइएगा आपको 5 एनर्जीज फिर मिल जाएंगी। अब आते हैं गेम प्ले कैसे करनी है। तो सबसे पहले एडवेंचर मोड पे जाते हैं, मैं एक गेम प्ले एडवेंचर मोड पे करूंगा, एक अरीना पे करूंगा सिर्फ आपको समझाने के लिए। एडवेंचर मोड पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ये आपको सारे लेवल्स जो नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली चूंकि मैंने गेम ऑलरेडी प्ले की हुई है इस वजह से आपको ये सारे कलर्स नजर आ रहे हैं। आपको ये सारे येलो ही, जैसे ये ग्रास नजर आ रही है ना येलो कलर की, इस तरह ही आपको नजर आ रही होगी। तो आपने सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके, मेरी तो ऑक्सीज के लेवल 10 10 10 नजर आ रहे हैं ना, आपके लेवल 1 1 नजर आएंगे। मैंने चूंकि ऑलरेडी गेम प्ले की है तो जितनी आप ज्यादा गेम प्ले करते जाते हैं, जितनी ज्यादा विनिंग करते जाते हैं, आपकी ऑक्सीज के लेवल बढ़ते जाते हैं, उनकी पावर्स बढ़ती जाती है, उनकी एचपी जो लाइफ है वो बढ़ती जाती है, तो इसी तरह स्पीड बढ़ती जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऑक्सीज की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है। तो जैसे ही आप पहले पे क्लिक करेंगे, यहाँ स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है, तो इस तरह जो आपकी ऑक्सी जो है कंप्यूटर के साथ आपकी गेम प्ले हो जाएगी। ये देखें सबसे पहले, अब ये देखें मेरी ऑक्सीज, ये ऊपर जो आपको टॉप पे नजर आ रहा है ये जिसके साथ आपका कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के साथ लुनेशिया राउंड 1 है, उसके साथ हमारा कंपटीशन हो रहा है, राउंड 1 है। आपकी ऑक्सीज जो है आपको बताता चलूं कि जब आप कंप्यूटर के साथ गेम प्ले करते हैं तो नीचे आपको नजर आ रहा है मैक्सिमम जो है आप 10 ऑक्सीज जो है एक राउंड में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप कंप्यूटर के साथ प्ले करते हैं तो पहले राउंड में आपको 4 ऑक्सीज दी जाती हैं, जबकि आप अरीना मोड में जब आप जाते हैं तो पहले राउंड में आपको 3 ऑक्सीज दी जाती हैं, तो दूसरे राउंड में फिर 3 3 3 अगर आप एडवेंचर मोड में, अगर आप अरीना मोड में हैं तो आपको 2 2 एनर्जी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। बाकी आप गेम प्ले करने के साथ साथ भी एनर्जीज अर्न करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा सबसे पहले ये देखें, ये मेरी ऑक्सीज नंबर 1 पे है, इन तीनों ऑक्सियों में ये टोटल की टोटल ये 3 ऑक्सीज मेरी हैं और ये 3 ऑक्सीज उसकी हैं। ये NFT टोकन है, ऑक्सी है, पता नहीं क्या है ये, लेकिन इसको आप ऑक्सी ही कंसिडर करें। तो इन तीनों ऑक्सीज, इन 6 की 6 ऑक्सीज में जिस ऑक्सी की सबसे ज्यादा स्पीड होगी वो नंबर 1 पे आएगा, यानी सबसे पहली अटैक की बारी मेरी इस ऑक्सी को मिल रही है। दूसरे नंबर पे जो मैक्सिमम स्पीड है वो मेरी इस बीस्ट की है, यानी ये अटैक करेगा। तीसरे नंबर पे जो बारी मिली है वो मेरे इस प्लांट को मिली है। तो यानी जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो चूंकि मेरे, अच्छा यहाँ पे आप देखें ये मेरा प्लांट है, इसकी आपको एचपी लाइफ 800 नजर आ रही है। आप चूंकि मेरा लेवल 10 है, आपकी ये इतनी लाइफ नहीं होगी, आपकी लाइफ कम होगी, इसी तरह आपकी एक्वा की लाइफ भी कम होगी, इसी तरह आपकी बीच की भी कम होगी। तो जो भी होगी जिस हिसाब से जिसकी जितनी स्पीड होगी उतनी उसकी बारी आएगी। तो अब बारी गेम खेलनी कैसे है, अब ये देखें ये नीचे आपको कार्ड्स नजर आ रहे हैं। इस ऑक्सी के फर्स्ट राउंड में जो कंप्यूटर ने मुझे कार्ड शो किए हैं जो कि रैंडम है, जरूरी नहीं कि आपके जब गेम प्ले करें तो जो आपने कार्ड डिसाइड किए हुए हैं शायद वही कार्ड आए। हर बार जो कंप्यूटर है वो रैंडम आपको कार्ड देता है, समटाइम आपको ऐसे लकी कार्ड मिल जाते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है, समटाइम ऐसे होता है कि जिस कार्ड की आपको जरूरत पड़ती है कार्ड वो आपका आता ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरे एक्वा के 3 कार्ड आए हैं, इस कार्ड को मैं अगर यूज करता हूँ तो 125 की यह पावर यूज करेगा अटैक करते हुए, 762 की एनर्जी मिलेगी, शील्ड मिलेगी। बाकी मेरी जो एक्वा की लाइफ है वो 651 ऑलरेडी उसकी लाइफ है,
ये 62 की अगर मैं ये कार्ड यूज करता हूँ तो 62 की मुझे साथ शील्ड मिलेगी, यानी एक्स्ट्रा एनर्जी, सॉरी एक्स्ट्रा एचपी, एक्स्ट्रा लाइफ मिलेगी। अच्छा, ये वाला कार्ड मैं अगर यूज करूंगा तो 1 एनर्जी साथ यूज होगी। ये देख रहे हैं आप 4 नजर आ रहे हैं, जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरी एनर्जी जो है पीछे से कम हो जाएगी, लेकिन मैं इसको अभी यूज नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं इसको यूज करूंगा, इस कार्ड को अगर मैं यूज करूंगा तो मेरी एक भी एनर्जी यूज नहीं होगी, लेकिन 46 की पावर जो है उसकी, उसका मैं अटैक करूंगा। इसको मैं क्लिक करूंगा तो देखिएगा मेरे पीछे ये 4 लिखा हुआ है ना, यहां से मेरी एनर्जी कम नहीं होगी। ये मैं कार्ड क्यों यूज करूंगा, अगर मैं ये कार्ड यूज करता हूँ, ये नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़े, गेन 1 एनर्जी व्हेन कंबाइंड विद अनदर कार्ड। क्योंकि मेरे पास एक्वा के 2 कार्ड्स हैं तो मैं इस कार्ड के साथ, ये देखे मैंने कार्ड यूज कर लिया इस ऑक्सी का, लेकिन यहाँ पे मेरा 4 की 4 एनर्जीज अभी पड़ी हुई है। उसके बाद मैं ये वाली एनर्जी यूज करूंगा, ये वाला कार्ड यूज करूंगा तो देखिएगा उधर से 4 की बजाय 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें इधर से 3 हो गए। अब मैं ये वाला कार्ड यूज करूंगा, अब ये तीनों, इसकी लाइफ है 375। अगर मैं ये तीनों कार्ड यूज करता हूं तो नंबर कैलकुलेट करके 100 100 तकरीबन 346। मुझे कभी उम्मीद है कि मेरी ये एक्वा ऑक्सी ही अपने कार्ड यूज करके इसको किल कर देगी। अच्छा, उसके बाद 20 का कार्ड भी है, इसकी पावर, इसकी शील्ड, इसका ऊपर एनर्जी के, इसकी जो एनर्जी है वो 1 यूज करेगा। ये मैं कार्ड भी यूज करूंगा इस ऑक्सी के लिए। अच्छा, अब मेरे पास एक एनर्जी यूज करने के लिए अभी भी ऑप्शन है, लेकिन ये वाले मैं प्लांट के ये वाले कार्ड्स यूज नहीं करूंगा। उसकी वजह ये है कि अगर अभी मैं ये कार्ड यूज कर देता हूं, पहला कार्ड क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये कार्ड अगर आप यूज करेंगे तो आपकी ऑक्सी की 186 एचपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी अगर कोई और अटैक करता है मेरी लाइफ कम हो जाती है। तो अगर मैं ये कार्ड यूज करता हूँ एक एनर्जी यूज करते हुए तो मुझे 186 की एचपी जो है मेरी लाइफ, मेरी इस प्लांट ऑक्सी की इंक्रीज हो जाएगी, 762 की मुझे शील्ड भी मिलेगी। अब मैं यूज इस वजह से नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बगैर, मेरी ऑलरेडी लाइफ जो है वो 800 एचपी मेरी ऑलरेडी है, तो मैं चाहता हूं कि पहले ये मेरे ऊपर अटैक कर लें, मेरी ऑक्सी के ऊपर, जब अटैक मेरी जो एचपी कम हो उसके बाद ये मैं कार्ड यूज करूं। तो जैसे ही आप कार्ड वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ एंड टर्न पे क्लिक करेंगे तो आपकी बारी जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगी। यहाँ ये आपको बताता चलूं कि एडवेंचर मोड में आपको कार्ड को अंडरस्टैंड करना, अपनी फॉर्मेशन करना, उसमें आपको अनलिमिटेड टाइम है, कोई टाइम की नहीं है मसला। लेकिन अगर आप अरीना मोड में जाते हैं तो वहां आपको मेरा ख्याल है मैक्सिमम 2 या 3 मिनट मिलते हैं, 1 मिनट मेरा ख्याल है, 1 मिनट के अंदर अंदर आपने ये सारा डिसाइड करना होता है कि किस ऑक्सी के ऊपर आपने कौन सा कार्ड यूज करना है। तो एंड टर्न पे क्लिक करेंगे तो ये देखें उस उन्होंने भी यूज किया है, ये सबसे पहले ये वाली ऑक्सी जाके अटैक कर रही है, उसने पहले ये वाला कार्ड यूज किया, फिर ये वाला यूज किया, फिर ये देखें मैंने गैस किया था ना कि इन तीनों कार्ड को अगर मैं यूज करूंगा तो वो, अच्छा वो साथ एक देख रहे हैं, उसने वो कार्ड यूज किया था, मेरी एनर्जी 1 थी पहले, साथ ही एनर्जी 2 हो गई, वो साथ मुझे, अच्छा वो देखें आप अपनी, उसने चारों यूज करके मेरी जो है यहाँ पे जो प्लांट ऑक्सी है उसके ऊपर अटैक किया है, तो उसकी लाइफ जो है वो कम हो गई है। अच्छा, जब मैंने गेम अपनी एंड टर्न किया था तो मेरे पास 1 एनर्जी थी, क्योंकि मैंने उस वक्त वो वाला कार्ड यूज किया था जो एनर्जी गेन करने वाला, तो 1 मुझे एनर्जी उससे मिल गई, यानी 2 वो हो गए, और 7 मुझे जैसे ही नेक्स्ट राउंड में आया, ये देखें राउंड 2 है, जैसे मैं नेक्स्ट राउंड में आया तो 3 मुझे एनर्जीज और एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर मुझे भी मिली और कंप्यूटर को भी मिली। तो यहाँ पे अब मैं दोबारा ये वाले कार्ड यूज करूंगा और ये वाला कार्ड यूज करूंगा, ये वाला जब मैं कार्ड यूज करूंगा तो मेरी ये वाले जो ऊपर प्लांट ऑक्सी है ये जाके इसके ऊपर अटैक करेगी, ऐसा नहीं है कि यह जाके ये जो ऑलरेडी वीक है उसके ऊपर अटैक करेगी। तो इसकी इसी वजह से ये जो लाइन वो जो मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था कि पोजिशनिंग आपने करनी है, तो ये पोजिशनिंग इसी वजह से यूज होती है कि कौन सा ऑक्सी आप कहाँ पे रखें तो आपको ज्यादा से ज्यादा विनिंग चांसेस जो है वो मिल सकते हैं। तो ये वाली मैं ऑक्सी यूज करूंगा बेस्ट की, जो 250% डैमेज डाल सकती है दूसरी के ऊपर, तो ये जो है, अच्छा ये मैं यूज नहीं करूंगा, चलें यूज कर लेते हैं ताकि ये जो है वो डेड हो जाए। और उसके बाद ये देखें, सबसे पहले ये वाला 2 अप्लाई करेगा इसके ऊपर, उसके बाद ये मेरा 20 इसको किल कर देगा। अब उसके बाद बाजेगा ये, मैं मेरी चूंकि प्लांट ऑक्सी की लाइफ कम है तो इसकी सबसे पहले मैं लाइफ यहां से गेट करूंगा 186, ये वाला कार्ड यूज करूंगा और साथ ये वाला कार्ड यूज करूंगा। तो वैसे तो ऐसे करने से जो है वो ऑलरेडी गेम ही मेरी एंड हो जाएगी। एंड टर्न पर क्लिक करूंगा तो ये देखिएगा सबसे पहले ये ऊपर वाली आएगी ऑक्सी, इसकी शील्ड आपको नजर आ रही है 136 की इसकी शील्ड है,
655 किसकी लाइफ। अच्छा ये देखें, इसने कर दिया सबसे पहली मेरी ये ऑक्सी जो है अपनी 186 किसने हीलिंग की है, और अब जाके ये इसके ऊपर अटैक करेगी और ये किल हो गया। और ये देखें जैसे ही मैंने किया ये मुझे विक्ट्री मिल गई। यहाँ से मेरा लेवल इंक्रीज, क्योंकि आपका लेवल 1 होगा आपका लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे कोई SLP टोकन नहीं मिला, आपको लाजमी मिलेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना हाईएस्ट लेवल पे हूँ, यहाँ पे जाके मुझे नहीं मिलता। तो इस तरह जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा आपने यहाँ पे आके दोबारा स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी दूसरा जो लेवल है उस पर आपका चला जाएगा। अच्छा वापस आते हैं अरीना मूड की तरफ, अरीना में प्ले करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं अरीना वाली टीम मेरी अलग है जो मैं समझता हूँ मेरी बेस्ट है। इस टीम में मैंने 2 एक्वा रखी हैं और 1 बीस्ट रखा है। तो अरीना मूड में जाऊँगा, अरीना मूड में मैं गेम विन भी करता हूँ लूज भी करता हूँ, पता नहीं अब मेरी गुल्ला क्या होती है। सबसे पहले अरीना पे क्लिक करूँगा और ये मेरा इस टीम के साथ मुकाबला होने लगा है। ये प्लेयर के साथ है, ये कंप्यूटर के साथ नहीं है, ये बहुत टफ है। तो सबसे पहले मैं ये कार्ड यूज़ करूँगा ताकि इस कार्ड की वजह से मुझे एनर्जी मिले। और यहाँ पे भी सेम जैसे मैंने आपको कहा था एडवेंचर मूड में आपको 4 फर्स्ट राउंड में मिलती हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट राउंड में अरीना मूड में 3 एनर्जीज मिलती हैं और सेकंड राउंड और उसके बाद जितने राउंड्स आते हैं 2 एनर्जीज आपको बोनस के तौर पर मिलती हैं। साथ साथ आप गेन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी 0 वाला कार्ड यूज़ किया था, अगर तो वो सक्सेसफुली अटैक करता है और उससे मुझे ये होगा कि कार्ड मिल जाएगा। अब वो मैंने इस वजह से यूज़ किया है, एक तो मुझे उससे एनर्जी मिल जाएगी जो मैं यूज़ करूँगा इसके लिए। ये देखें 0 ये वाली करते हुए तो मुझे, ये देखें ये वाले करते हुए तो मुझे कोई एनर्जी ज़ाया नहीं हुई, लेकिन मैं अगर ये साथ यूज़ करूँगा यानी मैं एक्चुअली 110 पावर की, ये देखें यहाँ पे 1 मिनट के अंदर अंदर डिसीजन लेना है वगर ना ऑटोमेटिक जो है वो, ये देखें यहाँ आप एंड टर्न भी कर सकते हैं या आप वेट भी कर सकते हैं। ये देखें ये मैं अटैक करूँगा, ये देखें एनर्जी मेरी गेन हो गई, ये उसको साथ अब वो मेरे से स्टील करेगा, मेरी 2 एनर्जी स्टील करेगा। ये देखें 1 बच गई है, एनर्जी स्टील नहीं हुई। यहाँ पे अब मेरे पास 5 आ गई हैं, उस 5 के साथ मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं इससे फ्रंट वाली उसकी डिफेंस जो है वो ख़त्म कर सकता हूँ या नहीं। तो मुश्किल लग रहा है मुझे, मैं ये वाले कार्ड यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इसकी पावर हाई नहीं है, तो मैं ये वाला कार्ड यूज़ करूँगा। होपफुली इन दोनों कार्ड, इन 5ों कार्ड को यूज़ करते हुए ये फर्स्ट उसकी जो डिफेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ये वाला कार्ड यूज़ किया है इस वजह से, मतलब ये आपकी अपनी, मैंने जैसे आपको बताया ना कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता उतना अच्छा। कुछ लोग कह रहे थे कि अरीना में गेम नहीं खेलनी चाहिए, ये बात सही है कि जितना आप अरीना में लूज़ करते हैं आपकी रैंकिंग डाउन होती है, लेकिन जब तक आप खेलेंगे नहीं आप लर्न कैसे करेंगे। ये देखें ये मेरा अटैक है, ये उसके कार्ड भी हैं, मैं फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे उसकी ऑक्सीज हैं। ये देखें ये मेरी ऑक्सीज अटैक आ रही हैं, ये अब उसकी अटैक का टाइम आया है, वो मेरे पे अटैक कर रहे हैं। अगर ये मेरी ऑक्सीज सर्वाइव कर जाती है, एक्वा फर्स्ट वाली जो है बच गई है, तो नेक्स्ट राउंड में मुझे एडवांटेज आ गया। ये देखें ये मैं उसकी फ्रंट वाली ऑक्सी जो है मैंने ख़त्म कर दी। अब मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, उसके पास मुझे लग रहा है उसने कार्ड कम यूज़ किए हैं, उसके पास कार्ड ज़्यादा हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अपनी मैं ऑक्सी कोई वेस्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे इसको अगले राउंड में चाहता हूँ कि वो मेरी इस ऑक्सी को किल कर दे ताकि मुझे 2 कार्ड इस राउंड में मिल जाए और 2 कार्ड मुझे अगले राउंड में मिल जाए। यहाँ पे मैं एंड टर्न पे क्लिक करूँगा, ये देखें अभी वो इसको आके उसने अपने 2 कार्ड यूज़ कर लिए, अब दूसरा कार्ड इधर यूज़ करेगा। अब मेरे पास 4 ऑक्सीज हैं और बारी भी मेरी है पहले, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने जो आपको स्पीड की बात कर रहा था। अब मैं ये वाला कार्ड यूज़ करूँगा, सैडली हुआ ये है कि मुझे इस मेरी इस ऑक्सी के पास इतने कार्ड नहीं है कि वो इसको डैमेज कर सके, इसको किल कर सके, क्योंकि ये देखें टोटल 100 की पावर है, 300 और 20 और ये कम पावर है। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये बच गई मेरी ऑक्सी जो कि जिसके चांसेस कम है, क्योंकि जब ये वाली ऑक्सी उसके ऊपर अटैक करेगी तो उसके बाद उसकी बारी है और वो जो है बड़ी आसानी के साथ, अगर उसके पास कार्ड ज़्यादा हुए पावरफुल हुए तो मेरी इस ऑक्सी की लाइफ जो है वो बहुत कम है, 50 की शील्ड है लेकिन 216 जो है इसकी HP है। तो अगर तो सर्वाइव होगी तो उसका ये एक्वा मैं किल कर दूंगा। ये देखें मुझे होपफुली मुझे उम्मीद है कि मेरी ये ऑक्सी जो है वो बच जाएगी, देखते हैं उसके पास कार्ड कौन से हैं।
110 की पावर यूज कर रहा है और 30 की, उसने एनर्जी गेन कर ली है। लेकिन अब मेरी बारी है ऐसे, अब मैं क्या करूंगा, अब इस राउंड को मैं कोई राउंड में प्ले नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि वो अगले अपने जो उसके पास कार्ड्स हैं वो कार्ड यूज करके मेरी इसको जो है वो किल कर दे, ताकि अगले राउंड में मेरे पास चार कार्ड हों, उन चारों कार्डों के साथ मैं उसके साथ फाइट करूं। मेरे जो एक्वा के हैं सैडली वो मेरे पास कार्ड ज्यादा नहीं आ रहे जो हैवी कार्ड्स हैं जो ज्यादा अच्छा अच्छा प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी टर्न को एंड कर दिया, उसको अपॉर्चुनिटी दिया कि वो इसकी ओहो उसने पावर ये देखे। अब मेरे पास देखे मेरे पास चार एनर्जीज हैं और साथ मेरे पास कार्ड्स भी हैवी आए हैं, तो मैं ये कार्ड यूज करूंगा इस उम्मीद के साथ कि अच्छा यहाँ पे एक कार्ड है, हाँ ये वाला, ये वाला डील 120% डैमेज इफ दिस ऑक्सी, अगर ये वाला, अगर ये ऑक्सी पहले अटैक करती है तो 120% प्रेशर के साथ वो अटैक करेगा। तो मैं ये कार्ड सबसे पहले यूज करूंगा ताकि उसका मुझे 100 की पावर यूज ना हो बल्कि 120 की। तो 120 120 120 360, और मेरे पास टोटल आ गई 470। अब उसके पास 420 उसकी एचपी है, और जब वो अपने कार्ड यूज करेगा तो उसके पास शील्ड भी होगी। अभी देखते हैं कि जो मैं टर्न एंड करूंगा तो क्या उस टर्न के बाद मेरे ये सारे कार्ड उसको उसकी ऑक्सी को डैमेज फुली कर सकते हैं या नहीं। मेरा ख्याल है उसने कोई यूज किया ही नहीं है, उसके पास दो ही कार्ड रह गए होंगे। अभी देखते हैं कि मैं ये गेम विन करता हूँ या नहीं, होपफुली मैं ये गेम विन कर गया। तो ये मेरी गुड लक है, उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको अच्छा, ये देखें यहाँ पे आपको SLP टोकन मिलते हैं, यहाँ पे आपकी ये रैंकिंग आ गई कि मैंने विक्ट्री की है और साथ मुझे 3 SLP टोकन मिले हैं। तो लूज करने पे आपको कोई नुकसान नहीं है, जितना विन करते जाते हैं अगर मुसलसल करते जाएं तो मेरा ख्याल है SLP टोकन की तादाद जो है वो इंक्रीज होती रहती है। तो इस तरह आप अरीना गेम भी प्ले कर सकते हैं और एडवेंचर मोड में। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई लेकिन ये सारा कुछ समझना आपके ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी मैं ऑक्सीज के ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा, अरीना गेम प्ले करके आपको दिखाता रहूँगा। जितना मैं ज़्यादा अरीना गेम प्ले करके आपको दिखाता जाऊँगा, जितनी आप मेरी गेम को व्यू करेंगे, मेरी स्ट्रैटेजीज को समझेंगे, उतना ज़्यादा आप लर्न करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं एक एक कार्ड के बारे में आपको समझाऊँगा कि ये मैं कार्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, वो सारे का सारा अरीना के ऊपर वीडियो होगी, ठीक है। अगर आपको एडवेंचर मूड में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे लाजमी कॉन्टैक्ट करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।